Assalamualaikum Nazreen, main hoon Tabsum. Is waqt main maujood hoon Jinghai Junub Maghribi Shahar Chongqing mein. Jo Chongqing se guzarne wale daryaye Jialing ke kinare par jo is purskun lamhat ke saath saath aapke saath baat kar rahi hoon aur shahar Chongqing ke khoobsurat munazir aapko bhi dikha rahi hoon. आप देख सकते हैं कि आज का मौसम काफ़ी खुशगवार है और ऐसा मौसम है सुना है कि जो मौसम सरमा में शहर चोंगचिंग में बहुत कम ऐसा होता है. आज जो धूप नज़र आई है और चोंग सब ख़त्म हो गई है और चोंगचिंग शहर के खूबसूरत मनाजिर भी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं. आप देख रहे हैं मेरे सामने ये दरिया है, दरियाए चालिंग है. ये वसीह दरिया का पानी बहुत साफ है, बहुत शफाफ है और दरियाए चालिंग जो चोंगचिंग शहर की आबादी के लिए पीने का पानी फराहम कर सकता है और ज़राअत के लिए दरियाए चालिंग का पानी भी इस्तेमाल हो सकता है. और हम देख आप देख सकते हैं कि हमारे सामने खड़ा ये तफरीही जहाज़ है. ये खास तौर पर सियाहों के लिए तैयार है. जब शाम के वक्त आते हैं तो सियाह शहर के मुख्तलिफ जगहों से यहाँ जमा होकर इस तफरीही जहाज़ पर सवार होकर फिर दरियाए चालिंग के दोनों किनारों के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ उठा सकते हैं. और आप अब हमारे कैमरा के साथ देखिए, इस वक्त हमारे सामने नज़र आई है ये जो दरियाए चालिंग के दूसरे किनारे पर खड़ी ऊंची इमारतें हैं. ये जदीद इमारतें बेशक चीन के इक्तिसादी और समाजी तरक्की की अगासी कर सकती है. इन इमारतें हैं कुछ तो रिहाइश के लिए है, कुछ तो घर हैं और कुछ तो तफरीही काम के लिए तामीर की गई है. और ये जो ऊंची इमारतें के पास है हमें नज़र आ सकता है एक इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तामीर की गई ये जो पुल है. ये दो मंजरा पुल एक मंजर ये जो गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है और ये जो नीचे ये मंजर है ये सिटी में चलने वाले ये लाइट रेल के लिए इस्तेमाल हो सकता है. और ये पुल मेरा ख्याल है कि ये फनों तामीर का एक नमूना भी कहा जा सकता है क्योंकि आप देखिए ये शक्ल बहुत खूबसूरत है. और ये जो पुल के जरिए दरियाए चालिंग के दोनों किनारों को भी मिला दिया जाता है. और अब मैं आपको दिखाएंगे एक इंतहाई खूबसूरत और मुनफरद इमारत. आप देखिए हमारे सामने ये खड़ी ये जो इमारत है ये चोंगचिंग शहर की रिवायती इमारत की शक्ल के मुताबिक बनाई गई है. और आप जानते हैं कि शहर चोंगचिंग का एक और नाम है पहाड़ों का शहर है. मतलब है कि चोंगचिंग शहर के तीनों इतराफ पर बुलंद बुलंद पहाड़ मौजूद हैं और ये हमारे सामने खड़ी ये इमारत है बिल्कुल पहाड़ की शिकल के मुताबिक बनाई गई है. और जब शाम के वक्त आते हैं तो यहाँ लाइट रोशन होगी और ये जो रोशनी से सजाई हुई ये इमारत और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी. और आप ही देखिए हमारे सामने एक आबशार भी की पर ही है. ये जो बिल्कुल शहर के जो कमर्शियल सेंटर में ऐसे खूबसूरत कुदरती मनाजिर नज़र आना जो हमें देख कर काफ़ी पुरसकून महसूस कर सकती है. और
جی ناظرین، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جگہ ہے ہونگ یادونگ کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ یہ جو سیاحوں میں، نہ صرف چینی سیاحوں میں بلکہ غیر ملکی سیاحوں میں بھی بہت مقبول ہے. اور چونگچنگ شہر تو ایک ایسا شہر ہے جو تفریح کے لیے ایک بہت اچھی جگہ ہے. یہاں لوگ آرام سے زندگی گزارتے ہیں، اور ہم یہاں آ کر بہت پرسکون محسوس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو موقع ملا تو ضرور اس شہر کا دورہ کریں. اور آپ اس شہر کے حوالے سے کیا جاننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے فیس بک پر پیج پر کامنٹس کریں اور تبصرہ کریں یا سوال کریں. ہم آپ کا جواب دیں گے.